भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तेलंगाना राज्य समिति की सचिव मंडल की बैठक कल हुई और आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें मैंने भाग लिया, और इसलिए उस अवसर पर मैंने सोचा कि आप साथियों से भी, पत्रकार बंधुओं से भी राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करूं, जो राजनीतिक परिदृश्य देश में है और राज्य में है। भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति बड़ी संकट की स्थिति है। देश के सामने विकास के सारे रास्ते आर्थिक संकट के कारण रुके हुए हैं। एक तरफ आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ कोविड का संकट है। ये दोनों संकट, आर्थिक संकट और कोविड का वर्तमान संकट, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाया गया संकट है, उनकी नीतियों का संकट है, उनके कार्यक्रम का संकट है। आप इसी को देख लीजिए। इतना बड़ी महामारी कोविड की, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल हो गया, अब थर्ड लेवल आने वाला है, तीसरी लहर। पहली लहर में लाखों लोग मर गए। ये देश विश्व गुरु होने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे भारत विश्व गुरु हो गया है, और ये विश्व गुरु खाने की बात छोड़िए, सांस लेने के लिए हवा भी नहीं दे पा रहा, ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहा। वारे नरेंद्र मोदी की सरकार। हमने सुना था कि सोने की स्मगलिंग होती है, चांदी और डायमंड्स की स्मगलिंग होती है। नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन सिलेंडर की स्मगलिंग करा दी, जिंकोविट के टैबलेट की स्मगलिंग करा दी। नरेंद्र मोदी ने पैरासिटामोल और क्रोसिन के टैबलेट्स की, डोलो के टैबलेट्स की स्मगलिंग करा दी। 50 रुपए की रेमडेसिविर इंजेक्शन चंडीगढ़ में 10 लाख में बिक गया, साधारण शहर में 40,000 और 50,000 और 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपीस का बिक गया। और ये सारा का सारा काम होल्डर्स के हाथों मोदी जी की सरकार ने किया, क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। जितने दिन तक, मेरा एक बहुत सीरियस आरोप है, आप में हिम्मत है, लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, आप दिखा पाएंगे कि नहीं टेलीफोन या टेलीविजन पर, आप डरते हैं कि सेडिशन का केस न लग जाए आप पर। मैं ये कहता हूं कि मोदी ने हिंदुस्तान के थर्ड मोस्ट पावरफुल पिलर जुडिशरी को के हाथ पैर तोड़ दिए। ही हैज ब्रोकन एंड द फोर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वन बाय वन, एंड द लास्ट वन वॉज रंजन गोगोई एंड बोबड़े। दे हैव पैरालाइज्ड द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। नाउ समथिंग इज बेटर। 46 जर्नलिस्ट इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश वर अरेस्टेड बिकॉज दे वेर, वो साफ साफ रिपोर्ट कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, फैक्ट्स की रिपोर्टिंग कर रहे थे, और उनको सेडिशन में डाल दिया जेल के अंदर। कहा है तमाम ऑर्गेनाइजेशन? आई कैन से इट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कई जगहों पर पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन किए, लेकिन अफसोस, डर इतना जबरदस्त था। वेयर वॉज आई एफ डब्ल्यू जे, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट? वेयर वॉज द टीवी ओनर्स, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन? ऑल बिकम दे वर सो एफरेड, वो बहुत इतने डर में थे। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर के 8 स्टेट के हाई कोर्ट्स ने
नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में एडवर्स कमेंट दिए हैं, कहा है कि ये फेल हो गई कोरोना के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आप देखिए जितने लोग मरे हैं उसका नंबर छुपाया गया, हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ये नंबर छुपाए गए, अंडर रिपोर्टिंग हुई है। और अब सामने आ रहा है कि बिहार के अंदर 5-5, 6-6, 8-8 हजार कोरोना की डेथ हो गई एक दिन में और उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। ये सरकार क्या थी? एक साल से ऊपर इस सरकार के पास कोरोना टेस्ट की आरटीपीसीआर की फैसिलिटी नहीं थी। और आप सोचिए, मैं आपसे यहां कहना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्यों के साथ मिलकर जो पैथोलॉजिकल लैब हैं उनसे मोटा पैसा लेकर के कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए जनता के लुटवा दिए। 10 लाख करोड़ का है आरटीपीसीआर। पहले कितने में होता था आरटीपीसीआर? 5,000 रुपीज। सारे लैब्स 5,000 रुपीज लेते थे। 5,000 रुपीज से 3,500 हुआ, 3,500 रुपीज से हुआ 1,500 रुपीज हुआ, 1,500 रुपीज से 1,000 हुआ, 1,000 से 750 हुआ, और 750 से अब आ गया 500 to 600 लाइक दैट। इसमें कितना पैसा? और हर जगह क्या कह रहे हैं, ट्रेन में बिना आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं बैठने देंगे, स्टूडेंट्स एग्जाम में नहीं बैठ सकते, प्लेन में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में इंटर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो आपने तो सबको लुटवा दिया। और दूसरी तरफ महंगाई, 4 महीने पहले मस्टर्ड ऑयल 90 रुपीज पर केजी था, आज क्या हिसाब है? 220 रुपीज पर केजी। ये जो सरकारी एक लाला रामदेव है ना, लाला रामदेव का मस्टर्ड ऑयल 95 रुपीज का 1 लीटर था, अब हो गया है 210 का। चारों तरफ महंगाई बढ़ गई। और उस पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल की महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहले मस्टर्ड ऑयल मिलावट वाला मिलता था, इसलिए एडल्ट्रेटेड मिलता था, इसलिए सस्ता बिकता था, अब ये प्योर मिल रहा है। तो आप समझिए सरकार कैसी है, किस तरह से लोगों को लूट रही है। और अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और फाइजर कंपनी के बीच में देश को लटका दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को ये कहता हूं कि उनके अंदर सेंसिटिविटीज वापस लौट आई हैं और हमारे कोरोना में जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको नहीं। अरे बताइए, लाखों लोग जब कोरोना के फर्स्ट वेव में बिना खाए पिए अपने घरों को वापस जा रहे थे और मर रहे थे वो, और तब पीआईएल दिया गया तो जस्टिस, चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये महत्वपूर्ण इशू नहीं है। फॉर मोर देन 6 वीक ही डिडंट हियर इट। 6 सप्ताह के लिए उसने नहीं हिरा। ऐसे जज को क्या कहा जाए? ऐसा जज सरकार का, सरकार के निर्देश पर चलने वाला जज है जब लोग रास्ते में मर रहे हो। और आखिर में जो उन्होंने जजमेंट दिया, लाखों कामगारों को, नौजवानों को जो अपने बिना खाए पिए, बताओ, रेल की ट्रेन की पटरी में मर गए बेचारे, उन पर जिस तरीके का संकट आया सब जानते हैं। गांव में लोग मर गए। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम विलेज लेवल पर डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने आदमी कोरोना से जनवरी 2021 में मरे हैं और सरकार का रिपोर्ट क्या है। सरकार का रिपोर्ट सिर्फ
झूठे रिपोर्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या कुछ इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल्स में आ गए या कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम में आ गए। बाकी गांव में न तो किट पहुंचा, न दवाई पहुंची, न ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा, खाना तो पहुंचा ही नहीं। इसलिए अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि सरकार का क्रिटिसिज्म करना सेडिशन नहीं है, इसने कुछ अवसर दिया है कि अब अखबार में पत्रकार रियलिटी को छाप रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम। मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों से कहना चाहता हूं, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक से कहना चाहता हूं कि आपको सच दिखाने की हिम्मत करनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच नहीं दिखा सकते, बड़े चैनल, तो फिर इनकी यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया उनसे आगे निकल रहा है, सोशल मीडिया आगे निकल रहा है। तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, न्यूज़पेपर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से निकाल दिया है। दिल्ली के अंदर 11 बड़े नेशनल चैनल्स के 1700 इंप्लॉयज पिछले एक साल से निकाल दिए गए इंप्लॉय। और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं कर रहा है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। एक क्राइसिस आया है, ये कैमरामैन के साथ चलने वाले इंजीनियर्स, उसके साथ चलने वाली गाड़ी, उसके साथ हेल्पर, ये सब हटाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम जो है जूम से ही काम चला लेंगे अपने, किससे, ये जो क्या है आपके हाथ में, हाँ नहीं, ये सेलफोन से ही अब सब हम काम कर लेंगे। लेकिन सेलफोन से काम हो सकता है, सेलफोन से कोई इमरजेंसी की चीज को शूट किया जा सकता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आप व्यूअर्स को दिखाते हैं और उससे एडवर्टीजमेंट से अरबों रुपया पैदा कर रहे हैं, तो व्यूअर्स को क्वालिटी भी देने का काम है आपका, और क्वालिटी देने के लिए आपको कैमरामैन्स को रखना पड़ेगा। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं कि उसने ये कह दिया सरकार को कि बताइए ये डिफरेंस ऑफ रेट क्यों है कोविशील्ड में, कोवैक्सीन में और दूसरे वैक्सीन्स में, एक दाम क्यों नहीं है, नर्सिंग होम में कुछ, प्राइवेट में कुछ, हॉस्पिटल में कुछ। आखिर सरकार को जवाब देना पड़ा। और अब आप साहब प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि मोदी के राज में फ्री वैक्सीन हो गया। ये मोदी के राज में नहीं है, ये जनता के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से है। मोदी तो पहले ही बिक चुके हैं वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के हाथ। मोदी झूठ बोलते हैं कि भारत ने वैक्सीन बनाया, वो चाहे सीरम का हो और चाहे हिंदुस्तान बायोटेक का है। अगर भारत ने वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाया है तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं, मेरी बात को नोट कीजिए, वो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत में वैक्सीन बनाया है। प्रधानमंत्री झूठ बोलने के लिए उनके फैक्ट्री में चले गए, उनके लेबोरेटरी में चले गए और बताने लग गए कि हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं, हम फ्री में बांट रहे हैं जनता, देश को, दुनिया के देशों को। यह भी झूठ था। वो तो जो कंपनियां दोनों थी, सीरम और बायोटेक, वो दोनों तो विदेश के कंपनियों से पैसों से चल रही थी, उनके पैसों से लगे हुआ था और उनका कॉन्ट्रैक्ट था दूसरे देशों को देने का, और इसलिए उन्होंने दिया। अगर भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है तो मैं उनका आदर करता हूं, मैं उन्हें सम्मानित करने देना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देता हूं, उसको चुनौती देकर के उससे कहता हूं, बता नरेंद्र मोदी कि वो कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाया है। अगर नाम आ जाएगा तो उन्हें पद्म विभूषण देना पड़ेगा।
झूठ बोलते हो। 3,500 करोड़ रुपए आपने निकाल करके कहा कि हमने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा है। आपने ये भी नहीं बताया, आप दूसरे कहते सूचना का अधिकार लड़ करके हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार से लिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन हमने ये लिया था, मनरेगा लिया था जिसका मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट में मोदी जी ने कि मनरेगा एक सब तरह की असफलताओं का एक राष्ट्रीय स्मारक है। आज उसी मनरेगा ने सबसे ज्यादा कोरोना काल में लोगों को रोजगार दिया है। यह भी कम्युनिस्टों की देन है, मनरेगा कम्युनिस्टों की देन है, आरटीआई हम ही लोगों ने पार्लियामेंट में झगड़ा किया था और 2004 में किया था। राइट टू फूड भी हमारा है जिसके तहत आज ये 5 किलो गेहूं या चावल राइस दिया जा रहा है। बोलिए ना आपका क्या था, आप तो अपोज कर रहे थे। आपको याद दिला दें, कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने बैंकों के नेशनलाइजेशन की बात की थी और नेशनलाइजेशन कराया था। इंदिरा गांधी माइनॉरिटी में चली गई थी, हम लोगों ने कहा नेशनलाइजेशन करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे वरना आपकी सरकार चली जाएगी, मजबूर होकर के हमने कहा। दूसरा, राजा रानी के प्रीवी पर्स खत्म कीजिए, और तीसरा, सारे देश के अंदर राशन कार्ड दीजिए, यूनिवर्सल राशन कार्ड। और मजबूरी में इंदिरा गांधी को यह करना पड़ा क्योंकि उन्हें सरकार बचानी थी, प्रधानमंत्री बने रहना था। अगर प्रधानमंत्री बने रहना था तभी उन्होंने बैंक का नेशनलाइजेशन किया। और आपको याद दिलाना चाहते हैं, इस बैंक के नेशनलाइजेशन के खिलाफ आज की बीजेपी की पहले भारतीय जनसंघ थी जिसके नेता पार्लियामेंट में 6 मेंबर थे, उसके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, और बीजेपी के और जनसंघ के अध्यक्ष थे बलराज मधोक। दोनों आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ गए थे और कहा था बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये पार्टी बड़े पैसे वालों की पार्टी है, कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है, और इसीलिए देश को लूट करके एक साल में लोग और गरीब हो गए। आज अखबार में आया है, ये जो हिंदुस्तान के अंदर कमेटी ऑफ मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड इकॉनमी कहती है CMII कि पिछले एक साल में 12 करोड़ लोगों की रोजगार चला गया। आज प्रधानमंत्री जी, इस एक साल में लोगों के रोजगार चले गए, दफ्तर बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, छोटे मझोले उद्योग बंद हो गए, लेकिन इस देश में एक साल में अडानी की इनकम $13 बिलियन बढ़ गई। तैयारी हो रही है देश में LIC को बेचने की, मोदी देश के सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को बेच देंगे। हमारे बाप दादाओं की जो सबसे मजबूत है भारत की अर्थव्यवस्था की जड़, रेल को बेचना चाहते हैं, BHEL को बेचना चाहते हैं, बैंक्स को बेचना चाहते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को बेचना चाहते हैं, LIC को बेचना चाहते हैं, और ऑलरेडी 2 बैंकों के मर्जर का ऐलान कर दिया और उसमें सब प्राइवेट लोगों को बुला रहे हैं। इसलिए आज IDBI को बेचना चाहते हैं। तो हम सब लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कोरोना काल का दुरुपयोग किया है देश की दौलत को बेचने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। इसीलिए 16 जून से लेकर 30 जून तक सारे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ा जाने के खिलाफ, कारपोरेट घरानों के हाथ देश की दौलत बेचने के लिए खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, हम 4 लेबर कोर्ट को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द ही, ये जो किसानों का आंदोलन है उसके पीछे हम लोग हैं, और मैं स्वयं स्वामीनाथन कमीशन जिस पर पूरा आंदोलन देश में चल रहा है उसमें अकेला मेंबर था स्वामीनाथन कमीशन में भारत के किसानों की तरफ से। ये C2+50 का फॉर्मूला
मेरा दिया हुआ फार्मूला, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फार्मूला है C2+50 का मेरा दिया हुआ है। हमारे 600 से ज्यादा किसान इस पूरे 7 महीने के, 26 तारीख को 7 महीने हो गए, वो हमारी कुर्बानी हो गई उन 7 किसानों की। यह आंदोलन चलता रहेगा दिल्ली के पार्लियामेंट के दरवाजे पर और देश भर में चलता रहेगा। हम इस मानसून सेशन के खत्म होने के बाद, पिछली जनवरी महीने से सरकार ने कोई बातचीत हमसे नहीं की है। हम भी सरकार को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, इन 5 राज्यों में हम प्रचार करेंगे, किसानों से अपील करेंगे। सारे देश के किसान नेता जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं घूम घूम करके, इन राज्यों के अंदर जनता से कहेंगे डिफीट बीजेपी, पनिश बीजेपी, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है और आज तक किसानों की जमीन को लेकर खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहते हैं। हम ये बात कर रहे हैं आपको कि इस बरसात मानसून के बाद, चाहे गोली चले हो चाहे जो कुछ भी हो, दिल्ली में किसान, 20 लाख किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली के अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, चाहे व्हाट मे कम ऑन द वे। देखें इस सरकार में गोली चलाने की कितनी हिम्मत है। अगर हम गांधीवादी तरीके से बैठकर आंदोलन कर रहे हैं तो गांधी का 24 घंटे नाम लेने वाले, गांधी के हत्यारे, अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम संसद पर अपनी पिटीशन देने जाएंगे। यही मुझे आपसे कहना है। थैंक यू।